देखने वाले हैं 25 अगस्त से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो चलते हैं, देखें सीधा पहले पॉइंट की तरफ। पहले पॉइंट में आपसे क्या कहा गया, श्रिथा थेउसिविन को थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए। पूछा जाएगा हाल में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आप याद रखेंगे इनका नाम हो जाएगा श्रिथा थविसिन। क्या नाम हो जाएगा? थविसिन। इससे आप इसको याद रखेंगे। दूसरा क्या, अगर आपसे पूछ सकता है थाईलैंड की यहाँ पर राजधानी के बारे में, तो थाईलैंड की राजधानी आप याद रखेंगे, थाईलैंड की राजधानी हो जाएगी यहाँ पर, क्या हो जाएगी? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? बैंकॉक हो जाएगी। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं यस बैंक ने ऑल इन वन SIRS मोबाइल ऐप लॉन्च किया। पूछेगा हाल में ही किसने ISIR मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो आप बताएंगे यस बैंक ने किया ऑल इन वन के नाम से। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, LIOC ने IRL के डी मंजर एक्शन माध्यम के जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 6.7% की हिस्सेदारी तो पूछेगा भी LIOC ने जियो के फाइनेंस में कितने परसेंट की हिस्सेदारी ली है, तो आप बताएंगे 6.7% हो जाएगा। चलते हैं देखें क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन बन गया, तो आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, भारत। चंद्रमा के ध्रुव पर पहुंचने वाला मतलब दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा, भारत हो जाएगा। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा सेओ कुमार सिंह। क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, सेओ कुमार सिंह। चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, श्रिथा थविसिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, तो आप बता देंगे सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, क्या? थाईलैंड के। क्या आंसर आ जाएगा इसका? थाईलैंड आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद, धौलपुर करोल रिजर्व किस राज्य में स्थित है, जहाँ NTCA टाइगर रिजर्व के द्वारा मंजूरी दी गई है, तो आप बताएंगे सी राजस्थान में हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं देखें, अफ्रीका के या अफ्रीका में उत्पादन शुरू होने वाली पहली भारतीय EV कंपनी कौन सी है, तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा वन इलेक्ट्रॉनिक। इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा बोलीविया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया, तो आप बताएंगे बी ऑप्शन हो जाएगा विश्वास विदु सपकाल। क्या नाम हो जाएगा? विश्वास विदु सपकाल। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद, चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुँचने वाला भारत के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं, तो आप बताएंगे बी ऑप्शन हो जाएगा आर प्रज्ञानंद। चेस वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं, तो नाम हो जाएगा इसका आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद, CVC ने बैंक धोखेधड़ी के सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया, तो इसके अध्यक्ष कौन है, तो आप बताएंगे सी ऑप्शन हो जाएगा सुरेश N. पटेल। क्या नाम हो जाएगा? सुरेश N. पटेल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें, तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा जा सकता है आपसे, तो आप बताएंगे 29 अगस्त। तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद, 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, तो आप बताएंगे डी ऑप्शन हो जाएगा उदयपुर। 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, तो उसका आंसर हो जाएगा उदयपुर में। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद, हाल में ही किसे CIRS टाइम्स का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो उसका बी ऑप्शन बता देंगे आप सालू जिंदाल। किसको किया गया? इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सालू जिंदाल को। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद, हाल में ही किस क्रिकेटर को EC द्वारा नेशनल आइकन के रूप से नामांकित किया गया है, तो आप बता देंगे इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। किसको नामांकित किया गया? सचिन तेंदुलकर को नामांकित किया गया है।